चलिए एक क्वेश्चन है आपका, एडिशन ऑफ अमोनिया। एडिशन ऑफ अमोनिया को हमें इसमें से ये देखना कि यार एल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इनमें से कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार इसमें जो रिएक्टेंट के रूप में ये चीजें हैं, ठीक है, वो भी अमोनिया साथ करना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू योर, इफ यू सपोज एसिटिलहाइड, एल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें से कौन आपके सटीक आंसर है। ठीक है, नीट की क्वेश्चन है ये, नीट की है। तो बात हम करते हैं, या चाहे तो हम लोग रेट ऑपरेशन भी निकाल सकते हैं, मैकेनिज्म आफ्टर। खैर देखिए, फिजिक्स हम लोग को अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर अमोनिया है। अमोनिया में हम लेते हैं NH3 है, ठीक है, एसीटाल्डिहाइड को ही मैं ले चलता हूँ रिएक्टेंट के रूप में। आपका क्या है ये CH3C एंड O ऑफ H, ये हुआ आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना। तो यदि यहां से दिस इज द गिव वन हाइड्रोजन टू हियर एंड योर रिमाइंडर इज NH2, दैट मीन्स इज द गिवन द रिएक्शन व्हाट CH3, इसको पहले ऐसे लिखते हैं CH3C ऑफ द O एंड H विथ योर अमोनिया, वन हाइड्रोजन यहां पे, तो देयर मीन्स गिव CH3C विथ डबल बॉन्ड OH एंड नाउ योर H एंड दिस इज योर NH2, इन हुआ। डेट मीन्स यहां पर कोई भी यदि अमोनिया आप लेके आते हैं विथ प्रेजेंट ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के प्रेजेंट में हम लेके आते हैं, और डाइल्यूट यदि हम कराते हैं, एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करेगा। इफ आई एम सपोजिंग द दी एल्डिहाइड एक्सेप्ट एडिशन ऑफ अमोनिया, आई एम सपोजिंग दैट दिस इज एल्डिहाइड एडिशन ऑफ अमोनिया इज द एक्सेप्ट, देन हियर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द व्हाट एल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, बट एल्डिहाइड इज द करेक्ट बिकॉज एक्सेप्ट द एल्डिहाइड विद द प्रेजेंट ऑफ अमोनिया, देयर मीन्स दिस इज द यू रीजनरेट रीजनरेट एंड कंटिन्यू रीजनरेट विद द प्रेजेंट ऑफ अमोनिया इफ द एक्सेप्ट योर क्वेश्चन इज द सटीक व्हाट दिस रिएक्शन एक्सेप्ट द अमोनिया, या यस दिस इज द एक्सेप्ट द अमोनिया व्हेन द रीजनरेट रीजनरेट विद द प्रेजेंट ऑफ द एल्डिहाइड। सो यहां से आप ये लिख सकते हो, इफ डाइल्यूट हियर एक्सेप्टेड ऑफ अमोनिया, दैट मीन्स री जेन रेट ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड को आपका यहां पे जनरेट कर ले जाएगा, ठीक है, री जनरेट ऑफ द एल्डिहाइड, क्लियर। यदि हम ये यहां से ये भी सपोज करते हैं, ये भी सपोज करते हैं कि चलो ठीक है, हम एल्डिहाइड ये हो गया, लेकिन ये एसीटाल्डिहाइड को भी हम सपोज कर लें, या एसीटोन या फॉर्मेल्डिहाइड को सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना रहेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड में हम यदि ले चलते हैं कीटोन को, एसीटोन है तो कीटोन को यदि हम ले चलते हैं यहां से, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां पर यदि देखा जाए CH3C विथ O एंड H, ठीक है, एंड दिस इज योर NH3 अमोनिया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको तुरंत आपको मिल जाएगा कि चलो भाई CH3C एंड दिस इज योर OH, यहां से भी हो जाएगा OH, ठीक है, और बच जाएगा यहाँ पे क्या आपका H, ठीक है, NH, और यहां पे फिर आपका क्या है CH3, क्लियर, अदरवाइज यहां पे चेंज कर लीजिए, यहां पे भी देख रहे हैं,
कि फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ठीक है। यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो एसीटोन है, एसीटोन कीटोन को जैसे हम आगे बढ़ाएंगे विद द अमोनिया के रिप्रेजेंट में, वी गेट द फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में भी रीजनरेट क्या है, एल्डिहाइड है, क्लियर, एल्डिहाइड। ओके ऑप्शन सही। देखिए चलिए सब गाना शुरुआत कर दिए। देखिए जल्दी इसको खत्म कर दिया जाए, शुरुआत खत्म हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं और बॉक्सलिक कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। आप इसका जो है जनरली फॉर्मूला समझ लीजिए, फैटी के रूप में कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीजें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला आपको ये देखना है, RCOOH, ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो मैथमेटिक्स CO2OH, आप लिख इसको इस तरह से भी लिख दो CO एंड दिस इज द OH, इस तरह से भी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में आप शो कर सकते हैं। एल्डिहाइड की तरह इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कितना है आर एल्किल ग्रुप होता है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई ऑप्टिमिस्ट की बात करते हैं इंडिस, ठीक है। इसमें जो R है आपका RCOOH आपका क्या है, एल्किल, R है जैसे एल्किल होता है, जनरली इसको देखेंगे तो एल्किल ही होता है ना, वाइल्डली। तो इसमें E को हटा देते हैं और यहाँ पे OI ऐड कर देते हैं, सुपरफिक्स परफिक्स आप पढ़े हैं, इन सब चीजों में बेसिक चीजें जान चुके हैं, तो आप लिखते हैं एल्किनोइक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चीज आप जान गए, ठीक है। इसका जो है एल्किनोइक एसिड होता है, आप जनरली इसमें मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेलिक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सनोइक एसिड, ऐसे इस तरह से इसको जनरली आप इसमें दिखा सकते हो। यदि मैं ऐसे करूँ यहाँ पे सिर्फ एच की जगह, यानी आर की जो वैल्यू है, आर का जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1, राइट। तो मैं सिर्फ यदि एन इक्वल टू आपको 1 पुट कर देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा आपका C1 2 × 1+1, डेट मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे C2 × 2, यानी ये आपका मेथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, यदि इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका CH3COOH। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन ही है, 1 कार्बन ही है, तो मेथ एथ, तो क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड की बात करते हैं। यदि हम ओनली एच रख देते हैं, एच रख दे तो HCOOH, तो क्या मेथ, मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड की बात कर लेते हैं, राइट। तो ये सब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं, इन सब चीज़ों को आप जो है जनरली यदि आप जो है क्लास इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं तो ये आपके पीजी लेवल के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में बहुत सटीक टॉप का काम करता है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब ऑक्सीडेशन इसका कराइएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स अब्लिक एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड में जब आप लिख लेंगे तो भी इसको आप अच्छे तरीके से
फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। डेट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज द जनरली फाउंड आर सी डोलो एच है, ठीक है। इसके जो आपका आयुर्वेदिक नेम में आया जाएगा वह है हमारा वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। ये सब क्या हाल शुरू कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे थे कार्बोक्सिलिक की। तो आपने अब तक देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है मैंने किया एक बच्चे से कि अच्छा बताओ जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक ओली में पूछा, ओली कार्बोक्सिलिक वो एसिड होता है और बेस होता है, तो उसका लैंग्वेज था बेस। यार बेस जिसका सेंस ही चल रहा है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो इस एसिड पर कैसे इसके जो है, यदि हम ऑक्सीडेशन लेते हैं, इफ यू टेकिंग द ऑक्सीडेशन विथ प्रेजेंट ऑफ अ प्राइमरी एल्कोहल ऑब्लिक एल्डिहाइड, वी टेकिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल ऑब्लिक एल्डिहाइड, देन व्हाट इज द मेन कंडीशन ऑफ दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ द प्रेजेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो कोई भी यदि जनरली पूछता है तो आप बताओगे कार्बोक्सिलिक एसिड ही के फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जनरल फॉर्मूला तो जानी गए हैं क्या, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है कि आर सी डबल ओ एफ चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे बात यह किया जाए कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ऑब्लिक एल्डिहाइड एल्डिहाइड उस एल्डिहाइड पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल की बातें की जा रही है, प्राइमरी एल्कोहल जस्ट वी प्राइमरी एल्कोहल का हम लोग फॉर्मूला ऐसे समझते हैं ना, आर सी एच टू ओ एच, राइट, प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल। इसको गिप्स लेते हैं, एल्डिहाइड पर देखते हैं, एल्डिहाइड के लिए भी आपका क्या हो जाएगा R with C of O and H, राइट। और यहाँ पे ये भी देखिएगा कि ये जो चीजें हैं यहाँ पर हम लोग कि नॉर्मल ऑक्सीजन के फॉर्म में यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन आप सो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड एल्डिहाइड, ठीक है। आप प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड आप यहां से ये देखना है कि ये जो है आपका R विथ C ऑफ O एंड दिस इज योर OH, ठीक, ऐसे आ जाने बनके। तो जनरली इफ हम टेकिंग द R इक्वल टू यू नो फार्मूला व्हाट CnH2n प्लस वन एंड n इक्वल टू इफ द पुटिंग वन इन दिस वी गेट द C1 2 of 1 plus this, that means we get the CH3 methyl, यहाँ पे put कर देते हैं, तो CH3 of CH2 OH, okay, और इसका यहाँ पर जो primary alcohol है, इसको यदि हम sulfuric acid के साथ ले चलते हैं, कौन? Sulfuric acid, और यहाँ पर K2, ठीक है, CrO7 ये पोटेशियम परमैंगनेट K2CrO7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के रिप्रेजेंट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे R की वैल्यू आप लिख देते हैं CH3C विद द O एंड दिस इज H, दस यहाँ पे भी नॉर्मल हम ऑक्सीजन यूज किए हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल ऑक्सीजन यूज कर लें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वही चीज रहेगा K2 Cr
2O7, यहाँ पे 2 आप लगाते हैं ना, तो आपको ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो CH3 CFOH एंड 10 कितना हो गया CH3 CFO एंड दिस इज द OH। तो कहने का सेंस इसमें क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो भी हम मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन और प्राइमरी अल्कोहल को लेकर चलते हैं, तो डेट मीन्स ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये देखने मिलेगा, चाहे अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड लो, वो ऑक्सीडेशन करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं, RCOOH। डेट मीन्स ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे ही बनाएंगे, क्लियर, ठीक है। आप यहाँ से इसके जो है कुछ मैकेनिज्म होते हैं, चाहो तो मैकेनिज्म भी आप इसे पढ़ सकते हो, जनरली आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक। इरेज़ करो बता। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे कि आपने जनरली स्टडी किया अबाउट ऑफ द कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक हैव द फंक्शनल फार्मूला विद द एल्किल RCOOH एंड इट द IUPAC नेम विद द एल्किल, डेट मीन्स ई व्हेन द ई रिमूव वी यूजिंग द ओइक, ओके ओइक ऐड कर लेते हैं, एंड समथिंग इज द फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड and thus the we are going to the many to more we can when the putting in the formula we can just solve simple your reaction depended at what oxidation jo oxidation tha yani oxikaran tha jo primary alcohol ya aldehyde ke sath yadi hum le chal rahe the to wahan pe hamara kya ban ja raha tha carboxylic acid ban ja raha tha। जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था तो वहाँ पे कंडीशन ये था कि क्या जो आपका पोटेशियम था डाइक्रोमेट के साथ ही हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे थे तो आ जा रहा था एट लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहा था। लेकिन थोड़ा सा यहीं से एक सटीक क्वेश्चन आ जा रहा है कि क्या आप ये बता सकते हैं और जानते भी हैं, ये सिंपल सा यूज दिमाग लगा सकते हो क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज पॉसिबल हो सकता है, वो भी हमारा किसके साथ साइनाइड के साथ, एल्किल साइनाइड कह लीजिए, एल्किल साइनाइड यहाँ तक जब कह लिए तो भाई चलो एल्किल साइनाइड इज द इक्वल ऑफ द नाइट्रिल, नाइट्रिल के साथ भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा, एल्किल साइनाइड को हम इक्वल कर दे रहे हैं एक जो आपका साइनाइड है, यानी जो एल्किल साइनाइड इज द इक्वल ऑफ द व्हाट नाइट्रिल, दस मीन्स व्हाट इज द पॉसिबल डेट हियर, जब यहाँ पे पॉसिबल हैं तो ऐसे कंडीशन पर यहाँ पे क्या हमारे कार्बोक्सिलिक भी बनेंगे, हाँ बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये चीज़ें इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको लिख के बताते हैं, हाइड्रो लिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड आब्लिक, इसको आप जो है नाइट्राइल भी कह लीजिए, कह सकते हैं ना नाइट्राइल। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम एल्किल जो है एल्किल साइनाइड यदि हम लोग चलते हैं तो ऐसे में हम लिखते हैं एल्किल पहले हाइलाइड ले लें या हाइलोजन RX ले लेते हैं, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं RX विद द क्या क्या देखोगे कि भाई देखिए यहाँ पे सोडियम है और साइनाइड, साइनाइड CN साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है। यही नाइट्राइल में जो है आप सोडियम साइनाइड आप ले चल सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि भाई चलो ठीक है हम R ले लिए यहाँ पे, ठीक है, और C ले लिए विद द डबल बॉन्ड ऑफ N, तो क्या बच रहा भाई, ये सोडियम बच रहा और हेलोजन ग्रुप बन रहा है, इसको हम इधर लिख चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -Na और X, Na और X यानी सोडियम हैलाइड, क्या आ जाएगा सोडियम हैलाइड, राइट ना, सोडियम हैलाइड, ओके। एंड जस्ट
जब इससे भी हम आगे निकल जाते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एल्किल हैलाइड है सोडियम साइनाइड के रिप्रेजेंट में हम इसको ले रहे हैं, तो यहाँ से जो हमारा साइनाइड आ जा रहा है वो साइनाइड पॉसिबल कब होगा, जब आपका ठीक है H2O यानी पानी का जो है समथिंग कुछ क्वांटिटी होना चाहिए विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। क्या है? हाइड्रोजन आयन के साथ जो है ये इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर यहाँ पे हमें देखना है कि कार्बोक्सिल आर सी विद द ओ एंड दिस इज द OH। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखा जाएगा भाई, ये N बन जा रहा है और यहाँ से हम इसको लिख चल लेते हैं H2 एंड H जो पॉजिटिव आयन है, तो ऐसे में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा NH3। ठीक है, NH3 अमोनिया। तो और यहाँ पे आपका ये हो गया, तो ये बताइए ये चीज आपका कार्बोक्सिलिक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक हो गया। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाई चलो ठीक है, मैं एक इक्वेशन तैयार कर दिया, डेट मीन्स एक रिएक्शन तैयार कर दिया। इस रिएक्शन पर आप देखते हैं क्या हमारा, चाहे हम मेथिल ले चलते हैं, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड या कुछ और भी लिख सकते हैं, यानी यक्स के जो है क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो फ्लोरो कुछ भी आप जनरली इसमें लेके चलते हैं, तो क्या आएगा ये चीजें इसमें देख लीजिए। ठीक है, फार्मिक एसिड, ठीक है, फार्मिक एसिड भी आप लेके चल सकते हैं, एसिटिक भी लिख चल सकते हैं। तो ऐसे में R इक्वल टू सी एन एच टू यन प्लस ऑफ वन एंड यन इक्वल टू वन दस द रिपोर्टिंग आफ्टर वी गेट द CH3। ये चीजें है यहाँ पे, यानी इक्वल टू इसमें पुट कर दिया टू वन वन लिखना जरूरी है, टू हजार टू वन थ्री इतना हो जाएगा। और यक्स के जहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यक्स यहाँ पे ठीक है बिया लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखोगे क्या CH3 गिव्स VR विथ सोडियम साइनाइड। ठीक है, और सोडियम साइनाइड हो जा रहा है यहाँ पे, फिर यही चीज आ जाएगा CH3 ऑफ सी विद द साइनाइड विद द ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज वही कॉन्सेप्ट यहाँ से हो जाएगा भाई, ये सोडियम ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बाहर आ रहा है विद द नेगेटिव, जैसे निगेटिव हो जा रहा है तो यहाँ से फिर हम CH3 लिख चलेंगे और CH3 लिख चलेंगे, यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका C विद द डबलिंग बॉन्ड और यहाँ पे आपका हो जाएगा OH। ठीक है, OH हो गया। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हमारा चल रहा था H2O विद द आयन पॉजिटिव आयंस, तो अब यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे इसको दे देगा, डेट मीन्स NH3 क्या हो जाएगा, NH3 हो गया। ठीक है, NH3 और यहाँ पे आपका तो वही हो गया। तो कहने का सेंस इसमें क्या है कि हाइड्रोलिसिस आप एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल में जब हम लेके चलेंगे तो एकदम वास्तव में रियली में जो है वो चीजें बन के आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना ही बनना है। क्यों? देखिए यही है ना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए आर सी डबल ओ एंड एच सी डबल ओ एच, या इसी को ऐसे लिखते हो CO2 ऑफ एच और यहाँ पे R क्या है, एल्किल ग्रुप है, CH3 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेथिल, ठीक है, मेथनोइक ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेथनोइक के कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा तो फार्मिक होता है, ऐसे बहुत से नंबर वाइज नंबर बनाते आप चले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल रहा, तो आप चाहो तो यहाँ पर सेकेंड टाइम जो है R इक्वल टू C2H5 यक्स के जहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, ब्रोमो आइडो फ्लोरो क्लोरो ऐसे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर चेंज करके बना लीजिएगा, कोई डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारा। तो इसमें बस यही चीज़ें ध्यान देना रहता है कि भाई हमारा ये बनता है तो बनेगा और वह चीज़ें कैसे होगा, यही चीज़ें इसमें आपको जनरली बहुत तरीके से माइंड में आके सेट होना चाहिए। देखिए ये रिएक्शन है, रिएक्शन हमेशा क्या कहता है, एक से दो बार जो है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, तब दिमाग में देखिए ना किस तरह हाँ स्टेप बाय स्टेप आता रहता है। ठीक है, लर्न ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, चलिए
पर मिटाने से जो है दाग आ जाता है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि वैसे क्वेश्चन हम भी उठाए थे बच्चों के लिए कि सिंपल सा आप एबाउट ऑफ द स्टडी कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक विषय में यदि आप स्टडी कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड वह बिकॉज एसिडिक ही क्यों होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड ही क्यों होता है, एसिडिक क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एसिडिक, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इफ इस चीज को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिलोंग टू द एसिडिक देन हियर मस्ट बी कंफर्म विच इज द प्रोटॉन, विच इज द प्रोटॉन मे बी आबली कंफर्म डेट डोनेटेड व्हाट बेस विथ सॉल्ट, व्हाट बेस विथ सॉल्ट, ओके। इसके अकॉर्डिंग तो आप ये जनरली इसमें देखोगे कि एसिडिक एसिडिक ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एसिडिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक, राइट। चलिए तो इसका मेन रीजन यही है कि भाई एसिडिक है ये एसिड ही होता है, तो रीजन ये है कि इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन जो है डोनेट का काम करते हैं, यानी दान देने का काम करते हैं, ठीक है, डोनेट का काम करते हैं। और जब ये डोनेट करने का काम करते हैं तो इसमें जो आपका बेस होगा और साल्ट होगा वो दोनों ही वहां से आएंगे, ठीक है। तो ऐसे में प्रोटॉन ये डोनेट करने का काम करते हैं यहाँ पर, तो हम सपोज करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला सी एंड दिस इज द ओ एंड दिस द बिलोंग, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। अब यहां पर मैं ये लिख चलता हूं कि भाई सोडियम एल्कोहल, क्यों सोडियम एल्कोहल ही लिख चलेंगे, सोडियम एल्कोहल इसलिए लिख चल रहे हैं बिकॉज इन दिस द सोडियम एल्कोहल इज द बिलोंग टू दैट इफ बेस टू द सॉल्ट देन वी नो दिस इज पॉजिटिव आयंस एंड दिस इज, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है यहाँ पे, यदि हम इस सोडियम को यहाँ पे लिख चल लेते हैं और यहाँ से हम इसको एच इसको दे देते हैं तो क्या रिलेशन बनेगा, रिलेशन देखिए आर, ठीक है, सी विथ ओ एंड दिस इज ओ विथ निगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, देखिए आ गया ना निगेटिव और पॉजिटिव प्रोटॉन की, एंड आफ्टर दिस क्या दिख रहे हैं एच एंड एच ओ, डेट मीन्स वी गेट द एच टू बाहर आ गया। तो जैसे में H2O हम अलग कर पाते हैं तो बस सटीक जो है कोई भी क्वेश्चन यदि पूछता है कि अच्छा बताओ बेटा या बाबू जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिड ही क्यों होता है, तो बस मेन आंसर सर इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो डोनेट करने का काम करते हैं, डोनेट करने के काम के रीजन से ये इसलिए हमारे एसिडिक नेचर के रूप में प्रकृति के मुख्य रूप में एकदम एसिडिक होता है, ठीक है। हाँ इसका जब हम इक्वेरियम पर लीटर वोटर पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि यदि हम इक्वेरियम पे एक्टिव मास फाइंड आउट करते हैं तो आयनाइजेशन भी होता है, नॉन आयनाइजेशन भी होता है, दोनों होता है, आयनाइजेशन भी होगा नॉन आयनाइजेशन भी होगा, आयनिक और अआयनिक दोनों के साथ होंगे, तब वहाँ पे हम जो है एक्टिव मास फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लियर। तो इतना हो जाएगा, तो चलिए यदि इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि यहां से इतना आपका हो गया। तो देखिए यदि इसका एक्टिव मास इक्विलेरियम के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, इक्विलेरियम के लिए आप द के सी पढ़े ना इक्विलेरियम, यहां पे क्या देखेंगे आप
एक्टिव मास आर सी डबल ओ, है ना, आर सी डबल, ठीक है, ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा, कंफर्म, ठीक है। एंड आफ्टर, ठीक है, यहाँ पर लिख चल लेते हैं, एन इज द पॉजिटिव आंसर, और यहाँ से इधर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर सी डबल ओ एच, आर सी डबल ओ एच, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब हम लीटर पर मोल के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो ये आयनाइजेशन भी होते हैं, आयनाइजेशन एंड नॉन आयनाइजेशन दोनों कंडीशन का काम करते हैं, ठीक है। तो बस एसिटिक आप द कार्बोक्सिलिक एसिड में बस आप इतना जानिए कि प्रोटॉन डोनेट का काम करता है, यदि प्रोटॉन डोनेट का काम करता है तो इसके जो बेस होते हैं और सॉल्ट होते हैं उन्हीं रीजनों से होते हैं, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। और इसके प्रोसेस इस तरह से होते हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम एल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराता हूँ, तो रिएक्ट कराने से सोडियम यहाँ पर आ जाता है और ये जो है एक हाइड्रोजन लेकर जो है ये आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो इसकी एक्टिव मास इक्विलिब्रियम होते हैं, वो इक्विलिब्रियम का जो रेशियो होता है भाई, इधर का जो प्रोडक्ट होता है उन प्रोडक्ट को ऊपर लेकर जो आपका, ठीक है, यहाँ से जो प्रोडक्ट के जो पार्ट होते हैं उससे बिफोर टू रिएक्शन को हम यहाँ पर रेशियो में लेकर जो एक्टिव मास पड़े होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, वहाँ से हम लोग इस तरह कर लेते हैं और फाइंड आउट करके आयनाइजेशन आयनाइजेशन का पहचान कर लेते हैं, ठीक है, चलो बंद करते हैं।